हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, आज है संडे और तारीख है 13 अप्रैल और मॉर्निंग का क्लिप है फ्रेंड्स। तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है और जैसा कि संडे है तो कुछ ना कुछ स्पेशल होना चाहिए, और किसी को हो ना हो सौरभ को होना चाहिए, तो उसी का पसंद का बन रहा है कुछ। तो आगे आप लोगों को देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा मैं क्या बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया था और उसके बाद मैंने इसमें सारी सब्जियाँ डाल दी है। आपने देखा ही, इसमें प्याज है, गाजर है, बंद गोभी है और शिमला मिर्च है। तो इसको मैंने नमक डाल के हल्का सा जो है 2-4 बार चला लिया है, यानी कि इसको पकाना नहीं है, इसको 50% पकाना है, बाकी 50% इसको कच्चा ही रखना है, यानी कि क्रंची क्रंची सा बनेगा ये फ्रेंड्स। तो इसमें मैंने सारे सॉसेस डाल दिया है, जैसे सोया सॉस, चिली सॉस और टोमेटो सॉस, और विनेगर भी डाला है, चिली फ्लेक्स, और यहाँ डाल दिया है मैंने काली मिर्च का पाउडर। तो टेस्टी यमिस्ट जो है वो बन के तैयार हो गया है। और इधर मैं बना रही हूँ पराठे, यानी कि ये जो है आटा, मैदा और आटा दोनों मिक्स है। वैसे तो ये सिर्फ मैदा का बनता है फ्रेंड्स, लेकिन मैं थोड़ा सा आटा भी, मतलब हाफ क्वान्टिटी में आटा भी डाल देती हूँ, थोड़ा हेल्दी के लिए, हेल्दी हो जाए। तो बस ये है। तो यहाँ मेरे सारे जो है पराठे भी सिक गए हैं और इधर मेरा जो है सब्जी भी तैयार है। तो इसको अब मैं जो है स्टफिंग कर लेती हूँ। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स, मैं भेज रोल बना रही हूँ, और भेज रोल जो है बेटे का मेरा फेवरेट है, यानी कि आजकल के हर मतलब सारे ही बच्चों का जो है ये चाइनीज़ फूड तो बहुत ही फेवरेट होता है। तो बस ये है, बना रही हूँ, और जब आज बना है तो फ्रेंड्स उसे खाने में भी यही चाहिए और ब्रेकफास्ट में भी यही चाहिए। तो हो सकता है मुझे रात में भी बनाना पड़े, तो अभी तो मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए बनाया है सबके लिए। तो थोड़ा सा मैंने मेयोनीज और सॉस जो है पराठे में लगा दिया था, और उसके बाद ये सारी सब्जियाँ डालकर बस ये बन गया भेज रोल। तो आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए। और आजकल है ना, बच्चे ज़्यादा यही पसंद करते फ्रेंड्स, और बच्चे क्या बड़े भी, हम लोगों को भी यही पसंद आता है। और अभी फ्रेंड बज गया है शाम के 5:30, और मैं ना आज सो गई थी तो अभी जगी हूँ, और ज़्यादा देर नहीं सोई थी फ्रेंड्स, 4 बजे। हाँ, 4 बजे लगभग सोई थी, 4 बजे तो सबने खाना ही खाया, तो 4 बजे मैं सोई थी और अभी जगी हूँ। बाल बाल ऐसे बिखरा हुआ है, और ये देखिए मैं जूड़ा स्टिक भी साथ में लेके आई थी, तो अभी जूड़ा करूँगी। और मैं खाना नहीं खाई थी फ्रेंड्स, खाना बता रही नहीं, भूख लगी थी, तो अभी थोड़ा सा ना कुछ चटपटा झालमुड़ी जैसा कुछ बना के खाने का मन कर रहा है, तो वही खाऊंगी, फिर चाय पीऊंगी। और बाहर मौसम देखिए, मतलब बारिश तो भी नहीं हो रही है, सुबह दोपहर तक तो हुई है बारिश, अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बहुत मतलब गर्मी भी नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा हवा भी नहीं है, ठीक ठीक है, थोड़ी सी हवा और चलती तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा हल्का हल्का हवा है। और इधर देखिए, यहाँ देखिए, बग्गी क्या खा रहे हो, क्या खाते रहते हो तुम? और ये बागा ना सारा दिन, ये जितने चिड़िया चलती है ना उसको खाते रहता है, तो यहाँ सारे चींटी का अंत कर देता है। और हर तरह के कीड़े नहीं खाता, इतने सारे तरह के ना वो चलते हैं, ये रेंगते कीड़े वो सब नहीं खाता, ये सिर्फ चींटी के पीछे जो होते ना काले वाले, जो चुट्टा जो बोलते हैं एक वो, और जो छोटे वाले जो होते हैं वो भी छोड़ता ही नहीं, उसे कितना मैं इसको उसके कारण ना मैं भगाती हूँ, लेकिन वो फिर भी ना दौड़ के खा लेता है। अब जिसका जो बताए, इन लोग का तो वही खाना है, इन लोग का तो छोड़ेगा नहीं फ्रेंड्स। मैं चाहती हूँ उसको वेजिटेरियन बनाओ, तो हो नहीं सकता है। चलो कोई नहीं, तो चलते फ्रेंड, पहले ना कुछ खाएंगे, उसके बाद बातें करते हैं फिर आप लोगों से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। तो ये ना मैंने चूड़ा ले लिया है, थोड़ा सा चूड़ा, और इसको ना मैंने थोड़ा हल्का सा गीला कर लिया, क्योंकि चूड़ा हार्ड होता है, हल्का सा गीला करने से ना थोड़ा वो सॉफ्ट हो जाएगा। और तो थोड़ा सा मुढ़ी ले लिया है, और इसमें ना थोड़ा चना और मूंग भीगा हुआ है, नमकीन, और ये प्योर है ना,
बिहारी नाश्ता मेरा शाम का। और नमक डाल लूँगी स्वाद के अनुसार, नमक कम ही डालूंगी क्योंकि ये जो मूढ़ी होता है ना, मूढ़ी में भी नमक होता है फ्रेंड्स, मूढ़ी में भी नमक होता है। और सरसों का तेल, और डालूंगी प्याज, और थोड़ा सा ना अचार का मसाला है, और ये मिर्च वाला अचार है फ्रेंड्स, लाल वाला जो मिर्च है वही अचार है, तो उसी का थोड़ा सा मैं मसाला इसमें डालूंगी। देखिए लाल वाला मिर्च है, और इसको कर लेती हूँ अच्छी तरह हाथ से मैं। तो ये देखिए मेरा तैयार है छाल मुड़ी। और फ्रेंड इसके साथ ना अगर गर्मा गर्म प्याजी होता ना, प्याज के पकौड़े, तो और मज़ा आ जाता। और ये दोपहर में मैंने पापड़ और चिप्स कर लिए थे खाने के साथ, तो बचा हुआ था तो वो भी मैंने ले लिया। और चलिए अब खाते हैं। Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. और फ्रेंड बाघा पता है मेरा वेट करते रहता है, यानी कि जब मैं दोपहर में खाना इसको खिला के, और उसके बाद फिर मैं अभी शाम को इससे मिल रही हूँ, जब ये बहुत देर बाद देखता है ना तो बहुत एक्साइटेड होता है देखकर, और खेलने के लिए मतलब ये मुझे तंग करता है। और जब भी मैं बैठ जा रही हूँ तो फिर मेरे पास जा रहा है कि नहीं चलो खेलने, और फिर मैं आ रही हूँ, फिर थोड़ा सा इसके साथ खेलती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ। मतलब मुझे ये थका थका कर पसीने पसीने कर दिया था फ्रेंड्स, और बहुत ही मस्ती करता है फ्रेंड्स, मतलब लगता नहीं ये रोड का कुत्ता है, काफ़ी मतलब चालाक है, तेज है ये। ये देखिए बग्गा ना खेलते खेलते थक गया तो जाके सो गया वहाँ आराम से। और मैं फ्रेंड्स अपने लिए चाय ले आई हूँ, ये देखिए, तो अब मैं चाय पी रही हूँ, और इधर है दूसरे मोबाइल में वीडियो भी सबका वॉच कर रही हूँ। और बाहर अच्छा लग रहा है, अब जो है हवा थोड़ी बहुत चलने लग गई है। और मैं ना मतलब कंघी वगैरह कर रही है ना, मतलब वाइटी पर एक दीदी है बरेली वाली दीदी, हाँ आपसे मैं उनको बरेली वाली दीदी बोलूँगी, बरेली वाली दीदी नहीं तो ना बहुत मतलब मुझे नोटिस करती हैं, तो वो मुझे बहुत है ना मतलब अच्छा सलाह देती हैं कि आप ऐसे रहो, ऐसे करो, ऐसे करो, पॉजिटिव रहो, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ। और दीदी मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आपका मतलब जितना भी मैं शुक्रिया करूँ कम है, क्योंकि आप इतना सोचती हैं मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक फैमिली वाली फीलिंग आती है। तो चलिए मैं कोशिश करूँगी, मैं खुश रहूँ और आप लोगों के सामने थोड़े अच्छे से आऊँ, मतलब जैसे तैसे मैं आ जाती हूँ, लेकिन मतलब दिन भर नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोग काम के मतलब काम के इसमें जब रहते हैं ना, तो किसी भी हालत में हम लोग काम कर जाए, नाइटी में हो चाहे सूट हो या कुछ भी पहने हो, जैसे भी हो, तो बस मैं वैसे ही सूट कर लेती हूँ। मतलब मेरे शुरू से ही वैसी आदत नहीं रही कि मैं तैयार होके अच्छे से बनठन के ब्लॉगिंग करूँ, ऐसा कभी मैंने नहीं किया है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत कोशिश कर सकती हूँ। तो चलिए और अब देखिए सब जगह का मैंने आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखा देती हूँ। और ना 6 बज गए, मतलब 6:15 हाँ, और ना अब थोड़ा बहुत जो है अंधेरापन आने लगा है। बग्गी चलो आ जाओ, और ये बग्गी को ना सब कोई जानने लगा है, और ये बातें मेरी बहुत सुनता है, बहुत समझता है। ऐसे तो ये बाहर का कुत्ता है, इसका कोई भरोसा नहीं, कभी भी ये यहाँ से जा सकता है, लेकिन ये जब तक है यहाँ तो मतलब मेरे गेट के आगे है, तो मेरे फर्ज बनता है कि मैं इसकी जो है देखभाल करूँ। अगर ये भूखा है तो मैं इसे खाना दूँ, प्यासा है तो पानी दूँ, और रात में अगर बारिश भी होती है तो मैं निकल निकल के देखती रहती हूँ। लेकिन इसका ना ऐसा आदत है कि यहाँ पर देखिए मैं दिखाती हूँ, ये जो गमला है ना, ये देखिए ये मिट्टी का है ना, खोद के यहीं पर ये सोता है। मैं ना सोचती हूँ ना कि जब बहुत एक कभी कभी रात में बहुत तेज बारिश होती तो यहाँ अंदर में सो लेगा, तो मैं गेट बंद कर दूंगी और मैं सुबह जल्दी उठ के सो। लेकिन पता है मैंने एक दिन ऐसा किया, ये अंदर गया, जैसे मैं गेट बंद कर दी, ये ना मतलब उसको अजीब सा लगने लगा, क्योंकि लोग बंद कमरे में कभी नहीं रहा है तो ये नहीं रह सकता, तो फिर वहीं पर रहता है, तो वहाँ क्या देखिए जो ऊपर है ना, ये देखिए बड़ा छज्जा है, तो इससे पानी वहाँ पर नहीं आता है, तो वो सो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा होता है तो वो गैरेज का गेट खोल देते हैं तो वहाँ अंदर सो लेता है, तो इसे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और पहले जब ये आया था फ्रेश ना, तो बहुत पतला दुबला था,
खोल के आप लोग ने देखा ही होगा, लेकिन अब ये जो है मतलब थोड़ा सा अच्छा हो गया है, खाना पीना इसको टाइम से मिल जाता है, तो ये खा के अब जो इसका थोड़ा हेल्थ भी बन गया है और खुश रहता है। वीडियो एंड करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, और जो पहले से हमारे वीडियो पर आ रहे हैं तो उनको थैंक यू, और अपना फुल सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें फ्रेंड्स। बाय, टेक केयर।